तो गुरु लोग, अभी कुछ दिनों से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वाला मामला इंटरनेट में जोरों शोरों से चल रहा था। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि करण जौहर का ओटीटी शो कॉफी विद करण के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था, तो इसी शो में एक कांड हो गया। अब कांड क्या है वो तो आप सब लोग जानते ही हो, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। जैसा कि आप एक कपड़े के स्टोर में कपड़ा लेने गए और वहाँ पर आपको एक कपड़ा पसंद आया, लेकिन फिर भी आप दूसरे स्टोर जाते हैं और वहाँ पर कपड़े ट्राई करते हैं लेकिन आपको दूसरे स्टोर का कपड़ा पसंद नहीं आया, तो आप फिर से पहले वाले स्टोर पे जाते हैं और उसी कपड़े को लेते हैं। तो वो जो पहला कपड़ा था वो आपका बैकअप प्लान था। तो ऐसे ही रणवीर भाई अपने दीपिका पादुकोण के लिए एक बैकअप प्लान था। भाई ये सुनने के बाद तो रणवीर सिंह का चेहरा काफी मायूस हो गया था। इसी सीन के चलते अभी कुछ दिनों तक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। एक बात तो कहना पड़ेगा कि ये साला करण जौहर ना खुद शादी करेगा और ना ही दूसरों की शादी को रहने देगा। इस कांड के बाद सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का मीम्स बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा था। सच कहा है किसी ने, हम मर्द जात लोगों की कोई कदर ही नहीं होती। अगर यही बात रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण को लेकर कहा होता तो भाई माहौल तो और भी ज्यादा गर्म हो जाया रहता। मैं सोचता हूँ कि भाई ये करण जौहर के दिमाग में ऐसे अजीबोगरीब सवाल आता कहाँ से होगा। आप लोगों को क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब भी तो तुमने बोला है वो सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको तो वही दो दिन पहले ही अर्जुन कपूर के आने वाली फिल्म लेडी किलर के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। ये ट्रेलर कब आया किसी को पता भी नहीं चला। लगता है इस फिल्म के मेकर्स भी चाहते हैं कि ये फिल्म चुपचाप आए और चुपचाप ही निकल जाए। और इस फिल्म का वैसे भी कोई हाइप नहीं है मार्केट में। ट्रेलर में हमें एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी देखने को मिलता है जहां अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर ने किसी का खून कर दिया है। सच बताओ तो मुझे ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा। ट्रेलर में भूमि पेडनेकर को एक साइको के रोल में देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो वही अर्जुन कपूर की एक्टिंग ठीक ठाक ही है। ट्रेलर के बैकग्राउंड में चलने वाला बीजीएम भी काफी अच्छा लग रहा है। ये फिल्म 3 नवंबर को आने वाली है सिनेमा घरों में, तो अब देखते हैं कि फिल्म कैसा होता है। तो वही दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड सीरीज द रेलवे मैन के टीजर को भी रिलीज कर दिया गया है। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि 2 नवंबर 1984 को क्या हुआ था। इस दिन भोपाल के पुराने फैक्ट्री से गैस लीक हुआ था जिसके चलते बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो इस सीरीज में हमें इसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाएगा, यानी कि ये सीरीज भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड पर बेस्ड होने वाली है। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे रेलवे के कर्मचारी लोग मिलकर और अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाते हैं। एक बात तो कहना पड़ेगा कि भाई टीजर काफी कमाल का था। टीजर को देखने पर वो खौफनाक वाले दिन फिर से याद आ जाते हैं। टीजर में हमें आर माधवन, केके मेनन, दिव्यंदु और बाबिल खान जैसे दमदार एक्टर देखने को मिलते हैं। एक बात तो कहना पड़ेगा कि भाई मेकर्स ने कास्टिंग के मामले में काफी जबरदस्त काम किया है। ये सीरीज हमें 18 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। निकालना होगा, क्या हम आप भरोसा कर सकते हैं इस वर्दी से ज्यादा शख्स पे सर। तो आप लोगों को द रेलवे मैन का ये टीजर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।